देखते हैं 15 क्या कह रहा है। एक बैठक में 70% सदस्यों ने किसी प्रस्ताव का अनुमोदन किया है और 30% सदस्यों ने विरोध किया है। एक सदस्य को अध्यक्ष चुना गया और यदि उस सदस्य के प्रस्ताव का विरोध किया है तो एक्स बराबर जीरो लिया गया, ठीक है। जबकि उस सदस्य ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया है किया हो तो एक्स बराबर वन लिया गया। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, माध्य और वेरिएंस निकालना है, ठीक है, माध्य और प्रसरण निकालना है। यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पर हम लोग इसके लिए एक यहाँ पर इसका प्रायिकता बंटन बना देते हैं, ठीक है, फिर हम लोग आगे इसमें देखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, तो हमने प्रायिकता बंटन के लिए यहाँ पे चार्ट ले लिया है। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि x इक्वल टू जीरो पर प्रायिकता कितनी है, x बराबर जीरो यानी क्या कि विरोध किया है, तो विरोध कितने प्रतिशत, 30% लोगों ने किया है, तो इसको दशमलव में करेंगे तो 0.3 हो जाएगा। और x बराबर वन पर प्रायिकता क्या होगी, यानी कि जब प्रस्ताव का अनुमोदन किया है तो वो 70% वैसे भी सदस्य हैं तो 70%, यानी कि ये 0.7 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग चरमान x और उनकी संगत प्रायिकता है, तो चरमान 0 और 1 हो रहा है, 0 पर 0.3 और 1 पर यहाँ 0.7। हमें क्या निकालना है, पहले कह रहा है कि माध्य ज्ञात करना है, ठीक है, तो माध्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो माध्य के लिए लिख सकते हैं हम लोग सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई इंटू में उनकी संगत प्रायिकताओं को गुना में ले लेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0 गुना में 0.3 और +1 गुना में 0.7 क्या हो जाएगा आपका, 7, ये ना हो जाएगा जी, तो क्या आ जाएगा, तो ये तो 0 हो जाना है और ये आपका 0.7, यानी आ गया 0.7 आपका माध्य। फिर हमें प्रसरण निकालना है, तो प्रसरण निकालने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए होगा सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर इंटू में उसकी संगत प्रायिकता का गुणनफल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0 का स्क्वायर इंटू में 0.3 प्लस 1 का स्क्वायर गुना में 0.7, यानी आ जाएगा यहाँ पर कितना, तो यहाँ हो जाएगा ये 0 प्लस का 0.7, यानी कि ये आपका 0.7 ही होगा। चलिए, तो हम लोग अब यहाँ पे निकालना है हमें वेरिएंस ऑफ एक्स, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई का स्क्वायर इंटू में उनकी संगत बारम्बारताओं का गुणनफल, सॉरी संगत प्रायिकता उसके गुना में, और फिर माइनस में माध्य का स्क्वायर, माध्य इसमें से घटा लिया जाता है, आपको पता है। तो क्या हो जाएगा, इसका मान 0.7 और माइनस यहाँ 0.7 का स्क्वायर, तो 0.7 माइनस का 0.49, यानी यहाँ पे इसको घटा लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0.21, ठीक है, समझ गए, तो ये आपका प्रसरण हो गया। चलिए क्वेश्चन